हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक परिवार के साथ में। जिनको होश आता है उसकी मदर को चिंता होती है। सबको लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। ये परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है। इस घर को जिन ने पहले नहीं देखा फिर भी उसे लगता है कि ये जाना पहचाना है। जिनका बड़ा भाई यूं बचपन से ही स्टडीज में बहुत अच्छा है। वो बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। वो घर के हर छोटे बड़े काम को आसानी से कर लेता है। उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। वो एक आइडियल बेटा है। जिन भी चाहता है कि काश वो अपने बड़े भाई जैसा बन सके। एक साल पहले यूं का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो लंगड़ाकर चलता है। दोनों भाई एक रूम में शिफ्ट होते हैं क्योंकि घर के पुराने मालिक ने दूसरा कमरा खोलने से मना किया है। जिन के रूम में एक आदमी आता है। वो जिन से पूछता है कि यूं आपका बड़ा भाई है। उसे यकीन नहीं होता कि यूं जिन का बड़ा भाई हो सकता है। जिन कहता है कि हम एक जैसे नहीं लगते पर हम सगे भाई हैं और वो मेरा बड़ा भाई ही है। तभी यूं आ जाता है और उस आदमी को जाने के लिए कहता है। रात को डिनर टेबल पर जिन को दूसरे कमरे में जाने से मना किया जाता है क्योंकि पुराने ओनर ने अपना सामान नहीं निकाला है और उसे मेडिसिन टाइमली लेने के लिए कहा जाता है। तभी जिन को कुछ आवाज ऊपर से सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई ऊपर है पर बाकी लोग किसी भी आवाज से इनकार करते हैं। जिन देर रात तक पढ़ाई करता है। सोने से पहले वो गाने सुनता है। तभी फिर से उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बार बार आवाज आने से उसका शक दूसरे कमरे पर जाता है। वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी यूं आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। यूं कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है पर कोई आवाज नहीं आती। वो जिन को कहता है कि वो पढ़ाई ना करने के बहाने बना रहा है। वो उसे फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर ले जाता है। दोनों बाहर बारिश के मौसम का मजा लेते हैं। यूं के पास उसके पिता का कॉल आता है। वो उसे जरूरी काम से घर वापस बुलाते हैं। यूं जिन को यहाँ रुकने के लिए कहता है। फिर वो घर की तरफ निकल जाता है। जिन सॉन्ग सुनते हुए रोड की तरफ आता है इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। वहाँ वो अचानक देखता है कि उसके भाई को कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं। जिन उनका पीछा करता है। वो उन्हें पकड़ नहीं पाता पर गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। जिन घर आकर पेरेंट्स को किडनैपिंग के बारे में बताता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर डिटेक्टिव जिन के घर आते हैं। जिन उन्हें सारी कहानी बताता है और गाड़ी का नंबर भी बताता है। डिटेक्टिव बताता है कि ये नंबर प्लेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिन बार बार कहता है कि उसे गाड़ी का नंबर बहुत अच्छे से याद है पर डिटेक्टिव उसकी बात पर एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अंधेरी रात थी और बारिश भी हो रही थी। हो सकता है कि तुमसे देखने में कोई गलती हुई है। सभी लोग रोजाना रैंसम कॉल का वेट करते हैं पर कोई कॉल नहीं आता। दो हफ्ते तक सभी ने इंतजार किया पर कोई कॉल नहीं आया। ना ही यू की कोई खबर आई। जिन रोजाना सपने में एक आदमी को देखता है। उसे वो जाना पहचाना लगता है पर वो उसे नहीं जानता। जिन को दूसरे कमरे से फिर से कुछ आवाजें आती हैं। दरवाजा खुलता है। जिन डर कर खुद को ढक लेता है। फिर वो अचानक उठता है तो पता चलता है कि ये सब एक सपना था। अचानक 19वें दिन यूं घर वापस आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि यूं को डिसोसिएटिव एमनीशिया हुआ है जिसमें उसके किडनैपिंग के बाद से अब तक की दर्द भरी यादें गायब हो चुकी हैं। जिन सोते हुए महसूस करता है कि कोई उसके पास खड़ा है। फिर वो देखता है कि यूं अपने बेड पर नहीं है। जिन यूं का इंतजार करते हुए सो जाता है। सुबह यूं अपने बेड पर मिलता है। पेरेंट्स अभी बाहर गए हुए हैं। जिन अपनी एंजाइटी पिल्स लेता है पर वो नीचे गिर जाते हैं। तभी यूं आता है और कुछ खाना खाने के लिए कहता है। जिन यूं से कल रात बाहर जाने के बारे में पूछता है पर यूं मना करता है कि वो सो रहा था और कहीं नहीं गया। वो कहता है कि तुमने शायद कोई ख्वाब देखा होगा। ये कहकर यूं बाहर की तरफ जाता है। जिन यूं को देखता है और कहता है कि अब तुम लगड़ा नहीं रहे हो। यूं जिन को कहता है कि मुझसे अब मजाक मत करो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर यूं बाहर चला जाता है पर इस बार लंगड़ा रहा होता है। जिन को लगता है कि उसने कुछ गलत समझ लिया और आराम से अपना खाना खाता है। जिन देर रात तक स्टडी करता है और टेबल पर ही सो जाता है। तभी यूं जिन के पास आके खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। यूं पेंसिल की नोक को जिनकी आंखों के पास बढ़ाता जाता है। तभी उसकी नोक टूट जाती है। यूं को पता नहीं पर जिन होश में होता है। यूं का ऐसा करना उसे परेशान करता है। वो घर से रात को बाहर निकलता है। जिन उसका पीछा करता है। यूं अब बिल्कुल ठीक चल रहा था, वो लंगड़ा नहीं रहा था। जिन यूं का टैक्सी से पीछा करता है। जिन परेशान है कि जब से उसका भाई लौट कर आया है तब से वो बदल गया है। यूं एक जगह पहुंच जाता है जहां जिन उसे डिटेक्टिव से बात करते हुए पाता है। ये वही लोग थे जो यूं की किडनैपिंग के केस पे काम कर रहे थे। वो देखता है कि उसका भाई स्मोक कर रहा है और डिटेक्टिव्स उसके आगे सर झुका रहे हैं जैसे वो उनका बॉस हो। यूं जहां जहां जाता है जिन उसका पीछा करता है। जिन एक कमरे में पहुंच जाता है जहां वो यूं तो गायब हो जाता है पर वो डिटेक्टिव उसे मिल जाते हैं। जिन वहां से भागता है, डिटेक्टिव उसका पीछा करते हैं। जिन एक जगह छुप जाता है पर यूं उसको बेहोश कर देता है। जिन उठता है तो वो खुद को टेबल पर पाता है।
उसे कुछ समझ नहीं आता। वो देखता है कि यूं भी रूम में ही है। जिन खुद को डर से बाथरूम में बंद कर लेता है, यूं दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर जिन कहता है कि मैंने तुम्हें रात को फॉलो किया था, तुम डिटेक्टिव से बात कर रहे थे, यूं कहता है कि तुम फिर से कोई ख्वाब देख रहे हो और उसे सच मान रहे हो। जिन कहता है कि मुझे पता है कि कल तुम पेंसिल से मेरे साथ क्या कर रहे थे, तुम उसे मेरी आंखों में डालना चाहते थे, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिन बाथरूम से बाहर आता है, यूं उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि कल रात वो कहीं नहीं गया था। वो पेंसिल, टैक्सी जिससे तुमने मेरा पीछा किया और वो आदमी जो तुम्हें मिले, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। यूं उससे पूछता है कि कल तुमने मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी। जिनको याद आता है कि कल उससे मेडिसिन नीचे गिर गई थी तो वो उसे ले नहीं पाया। यूं कहता है कि ये सब इसीलिए तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम अपनी मेडिसिन टाइमली लो। यूं उसे अपने सामने मेडिसिन खिलाता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। जिन यूं को खिड़की से जाते हुए देखता है और वो लंगड़ा रहा था। जिनकी नजर अपने टेबल पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि पेंसिल की नोक टेबल पर निकली रखी है। इसका मतलब कल उसके साथ सब कुछ सच में हुआ था, वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था। उसे याद आता है कि उसने यू को तो टैक्सी के बारे में बताया ही नहीं था, फिर उसे कैसे पता। जिन अपनी मदर को सारी बात बताता है। उसकी मदर परेशान हो जाती है। जिन कहता है कि अगर आज रात यू फिर से बाहर गया तो इस बार वो पापा को अपने साथ लेकर जाएगा। जिन रात होने का इंतजार करता है, तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो उस कमरे में अंदर जाता है जहां उसे जाने से मना किया था। वहां उसे यू की बॉडी हैंग मिलती है। ये देखकर जिन की नींद खुल जाती है, यानी वो एक बुरा ख्वाब देख रहा था। जिन अपनी मदर को एक किसी से बात करते हुए सुनता है। वो सुनता है कि उसकी मदर जिन की कही हुई सारी बातों को यू को बता रही है। उसकी मदर को अचानक एहसास होता है कि दरवाजे पे कोई है। वो दरवाजे पर चेक करती है, पर तब तक जिन वहां से जा चुका होता है। वो जिन को घर में ढूंढती है। जिन पाइप से चढ़कर अपने रूम में अपने बेड पर जाके सो जाता है। जिनकी मदर चेक करने आती है तो वो देखती है कि जिन अपने बेड पे लेटा हुआ है, पर वो भीगा हुआ भी है। वो वहां से चली जाती है। जिन यहाँ परेशान है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, उसका परिवार ऐसा बर्ताव ही क्यों कर रहा है। जिन घर से बाहर निकलता है, वहां उसे अपने पिता मिलते हैं, पर वो वहां से भाग जाता है। जिनकी मदर एक आदमी को उसका पीछा करने के लिए कहती है। जिन भागते हुए पुलिस की कार से टकरा जाता है और उसके साथ जो भी पिछले दिनों हुआ वो उन्हें सब बताता है। पुलिस वाले अपने डेटाबेस में जिन की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, जिसके हिसाब से जिन 1977 बॉर्न है और अभी उसकी उम्र 41 साल है। जिन पुलिस वालों को करेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जब तुम 1977 बॉर्न हो तो तुम 21 साल के कैसे हो सकते हो। जिन कहता है कि वो 97 बॉर्न है। सब लोग जिन पर हंसते हैं। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि अभी 2017 चल रहा है और वो देखता है कि यहां सब लोग स्मार्टफोन और टैबलेट्स यूज कर रहे हैं। ये सब देख वो शॉक्ड रह जाता है। जिन खुद को मिरर में देखता है, वो पाता है कि जो पहले 21 साल का दिखता था अब वो 41 साल का लगता है। वो अपने सवालों का जवाब जानना चाहता है। लौटकर वो अपने घर आ जाता है। वो देखता है कि रूम बिखरा हुआ है, जैसे यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। यूं आता है और कहता है कि मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। यूं उसे बताता है कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को एक परिवार का यहाँ मर्डर हुआ था। यहाँ कहानी पास्ट इवेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पता लगता है कि इस रूम में एक माँ बेटी का एक शार्प नाइफ से मर्डर हुआ था। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुई थी, ना ही कोई सुराग मिला। ये केस एक मर्डर मिस्ट्री बन गया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर सालों गुजर गए और कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर विक्टिम की फैमिली इस केस को नहीं भूल पाई। उन्होंने इस केस को प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दिया। फाइनली किलर मिल गया। उसे टॉर्चर किया गया पर उसे कुछ याद नहीं। जिन कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ। यूं कहता है कि मैं ये तब से सुन रहा हूँ जब से मैंने तुम्हें पकड़ा है और मैं श्योर हूँ कि तुम ही किलर हो। विक्टिम की फैमिली सिचुएशन से परेशान है। वो जिन से मर्डर का बदला लेना चाहती है पर उसे कुछ याद नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि उसे किसने मर्डर के लिए कहा था। उसके पास पुरानी मेमोरी नहीं है तो ऐसे इंसान से कैसे बदला लिया जा सकता है। एक फोरेंसिक हिप्नोसिस एक्सपर्ट को हायर किया गया जिसका नाम पार्क है और यही आदमी कहानी की शुरुआत में इनका पिता बना। ये खास तरह के एक्सपर्ट होते हैं जो इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में छुपी गहरी से गहरी यादों को बाहर निकालने का काम करते हैं। वो बताता है कि जिनकी लाइफ कई स्टेजेस में बटी हुई है। जब वो 20 साल की उम्र का था तब उसके साथ कुछ बहुत बुरा घटित हुआ। उसने खुद उस मेमोरी को अपने दिमाग से इरेज कर दिया। उसे डिसोसिएटिव एमनीजिया हुआ था। तुम्हारी वो मेमोरी इतनी ज्यादा ट्रेजिक थी कि तुमने उसे खुद ही इरेज कर दिया। जिनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें ट्रॉमा से पहले की लाइफ उसे ऐसे फील कराई जाए कि वही रियल है, जिस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान था, एक किलर नहीं। सब लोग एक रोल प्ले करेंगे जिसमें उसके फादर, मदर, बड़ा भाई और जिन है।
उसे हिप्नोटाइज करके ये सब बताया जाएगा कि वो एक ट्रेन में सवार है। जैसे जैसे वो टनल से गुजरता जाएगा वो अपनी हैप्पी मेमोरीज में लौटता जाएगा। हिप्नोटाइज करके उसे साल 1997 में पहुंचा दिया जाता है। जिन बताता है कि वो अपने परिवार के साथ एक कार में है और अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है। वो अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर सो रहा है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी नींद से तब जागोगे जब मैं तुम्हें उठने के लिए कहूंगा, और जब तुम उठोगे तब तुम साल 1997 में होगे और तुम्हारी उम्र 21 साल होगी। कार में जो लोग तुम्हें दिखेंगे वो तुम्हारा परिवार होगा। जब मैं तीन काउंट करूं तब तुम उठना। जिनको होश आता है, आगे कहानी वैसी ही रहती है जैसे आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखी थी। वो उसी घर के बाहर खड़ा था जहां उसने मर्डर किया था। मर्डर उसे याद नहीं है, पर ये घर उसे शुरुआत में इसीलिए जाना पहचाना लगा था। शिफ्ट करते वक्त तभी वो आदमी जिन से सवाल कर रहा था, क्योंकि दिखने में जिन यूं से बहुत बड़ा दिख रहा था, पर वो यूं को अपना बड़ा भाई बता रहा था। वो आदमी और सवाल ना पूछे इसलिए यूं ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। जिन को हिप्नोटाइज किया हुआ था इसलिए वो अपने डिफरेंस को समझ ही नहीं पाया। जब जिन ने पहली बार दूसरे कमरे से आवाज सुनी थी तब इस नाटक के और लोग उस कमरे में थे जिनसे एक पॉट गिर गया था। रात को जिन पहली बार उस कमरे को ओपन करने गया तब यू ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके आदमी वहां काम कर रहे थे। दरअसल उस कमरे को ऐसे सेट किया जा रहा था जैसे वो मर्डर के वक्त था, ताकि उस रूम को वैसा देख जिन की मेमोरी वापस आ जाए। जब ये मर्डर हुआ तब उस दिन बहुत बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही थी। वही म्यूजिक भी लगाया गया जो मर्डर के वक्त चल रहा था। पूरा सेट तैयार हो चुका था। जिन को बुलाने की देर थी। पार्क यू को आने के लिए कॉल करता है ताकि जिन खुद से घर आए और उस रूम को देखे, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कुछ पुलिस वाले यू को रात में उठाकर ले जाते हैं, जिसे जिन किडनैपिंग समझता है। 19 दिन बाद यूं जेल से छूट जाता है। वो प्लान को फिर से वापस शुरू करना चाहता है, पर जब तक बारिश नहीं होती तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी को वापस लाने के लिए जरूरी था कि सब कुछ उसी दिन जैसा हो जिस दिन मर्डर हुआ था। बारिश का कुछ दिन इंतजार किया गया। उसी बीच जिन को यूं पर शक होने लगा। उसका शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो अभी तक जिन की मेमोरी को वापस नहीं ला पाए। जिन अभी भी मना करता है कि उसने मर्डर नहीं किया और चलती कार से कूद जाता है। यूं जिन का पीछा करता है, उसकी कार एक पोल से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जिन वहां से बचकर निकलता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जब वो बेहोश था तो उसे याद आता है कि 1997 में वो अपनी फैमिली के साथ था। वो बहुत खुश था। वो अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर सो रहा था। तभी पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके माता पिता की मौत हो गई और उसका बड़ा भाई बहुत सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसी दौरान कोरिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था जिसमें लोगों की नौकरियां जा रही थी, पैसे कमाने के जरिए खत्म हो गए थे, लोगों की भुखमरी की हालत थी। अपने भाई के इलाज के लिए जिन के पास पैसे नहीं थे। उसे कोई लोन नहीं दे रहा था, ना ही कोई नौकरी दे रहा था। एक दिन जिन ऑनलाइन पोस्ट करता है कि उसको अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए और वो बदले में कुछ भी करेगा। डॉक्टर जिन के पास आता है, उसे कहता है कि तुम्हारे भाई की हालत ये पिछले 6 महीनों से है और अब जरूरी है कि उसकी सर्जरी की जाए, पर सर्जरी के लिए जिन के पास पैसे नहीं है। अचानक जिन के पास ऑनलाइन पोस्ट का जवाब आता है। वो आदमी पैसे देने को तैयार है और बदले में मर्डर करने को कहता है। जिन ये करना नहीं चाहता पर वो हाँ कर देता है। जिन उसी घर में मर्डर के लिए जाता है जो घर आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, इसलिए जिन को ये घर जाना पहचाना लग रहा था। उसे बताया गया था कि उसे वहाँ एक औरत मिलेगी और 2 बच्चे होंगे। उसे सिर्फ उस औरत को मारना है और वापस आ जाना है। जिन वहाँ घर में एक परिवार को देखता है। वो मर्डर का इरादा बदल देता है। वो उस औरत को शोर मचाने से मना करता है। वो कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा। ये सब उस औरत की बेटी देख लेती है। उसे शांत करने के लिए जिन उसके पीछे जाता है, उसे शोर मचाने से मना करता है। जिन गलती से उस लड़की पर गिर जाता है और नाइफ उसके पेट में लग जाता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। खून बहने से उस लड़की की मौत हो जाती है। तभी लड़की की माँ आ जाती है। उसके चिल्लाने से जिन अपने होश खो बैठता है और ना चाहते हुए भी उसे मार देता है। जिन बहुत पछताता है और बाहर निकलता है। तभी एक बच्चा उसे मिलता है जो जिन से अपनी माँ के लिए पूछता है। जिन कहता है कि अगर तुम 100 तक गिनती करोगे तो तुम्हारी माँ आ जाएगी। तभी जिन देखता है कि इस घर में डॉक्टर की तस्वीर है। यहाँ पता चलता है कि मर्डर के लिए जिन को डॉक्टर ने कहा था। वो सिर्फ अपनी वाइफ को मारना चाहता था। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उसकी वाइफ की मौत से उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते, पर जिन से एक की जगह 2 मर्डर हो गए। डॉक्टर के पास उसके बेटे का कॉल आता है। डॉक्टर सब समझ जाता है। जिन डॉक्टर से कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डॉक्टर कहता है कि तुमने ये काम किया अपने भाई की जान बचाने के लिए और मैंने किया अपने बच्चों के लिए, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी बेटी को मार दिया, अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। पर वो अचानक ऊपर से नीचे गिरता है। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ छूट जाता है। इस घटना से जिन के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब यहाँ सीन 2017 में शिफ्ट होता है, जहाँ जिन हॉस्पिटल में है जहाँ वो एक्सीडेंट के बाद आया था। यूं जिन के पास है, वो उसे जहर के इंजेक्शन से मार देना चाहता है। जिन यूं से कहता है कि उसने जो भी किया वो उसके लिए माफी चाहता है।
यूं समझ जाता है कि जिनको सब कुछ याद आ गया है शायद एक्सीडेंट से उसकी मेमोरी रिकवर हो गई है। यूं जानना चाहता है कि उसने मर्डर क्यों किया, क्या ये इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया गया या फिर कुछ और। यहाँ पता चलता है जिनने जिस छोटे बच्चे को घर में जिंदा छोड़ा था वो यूं ही है, वो उस डॉक्टर का बेटा है। यूं बताता है कि मर्डर के बाद सारा पैसा उसके रिलेटिव्स ने ले लिया और उसे अनाथ की तरह छोड़ दिया। वो हर रात रोता था, वो चाहता था कि वो उस इंसान को मार दे जिसने उसके परिवार को मार दिया, जिन उससे माफी मांगता है। यूं जानना चाहता है कि क्या उसके फादर ने उसे मर्डर करने के लिए कहा था, जिन मना कर देता है, वो उसके पिता की सच्चाई उसे नहीं बताता। वो कहता है कि उसने ये सब कुछ अकेले ही किया, और यूं समझ जाता है और जिनकी बात का यकीन नहीं करता। यूं जिन को जिंदा छोड़ वहां से चला जाता है। उसे समझ में आ गया था कि ये सब कुछ उसके पिता ने ही करवाया था इंश्योरेंस के पैसों के लिए, पर अब यूं के पास जीने का मकसद नहीं बचा। वहीं जिन जहर का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अपनी यादों की सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही उसके पास जीने की कोई वजह बची थी। यूं हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। मजबूरी में लिया गया डिसीजन खुद की और दूसरों की जिंदगी बदल देता है। पर मौत को चूज मत कीजिए, मौत से कुछ हासिल नहीं होता। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर आपको क्या लगता है कि इसका अंत क्या होना चाहिए था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।